Hey guys, this is your guitar boy and today we are going to learn the song Kala Surma by Jessie Gill. ये गाना अभी आया है कुछ एक दो दिन पहले और काफ़ी अच्छा गाना है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए. सो गाइस, ये जो गाना है वो डी माइनर स्केल पे है और जो इसका इंट्रो है वो थोड़ा सा अलग है. मतलब डी माइनर अगर आप प्रॉपरली आप पकड़ोगे तो नहीं बजेगा, वो डी माइनर सेवन पे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिफ्थ फ्रेट पे केपो लगाना पड़ेगा वो बजाने के लिए, और वो काफ़ी ईजी हो जाएगा क्योंकि ए शार्प कुछ कुछ लोगों को नहीं आता है, तो ए शार्प की जगह वो यहाँ पे केपो लगा के वो और ईजी कर सकते हैं उस कॉर्ड को. सो गाइस, आपको फिफ्थ फ्रेट पे इस पर केपो लगाना है, ओके. एंड इसकी जो कॉर्ड्स हैं वो आपके ए माइनर रहेगी, दूसरी कॉर्ड आपकी रहेगी जी मेजर, तीसरी कॉर्ड आपकी रहेगी एफ मेजर, ओके. और जो लास्ट कॉर्ड है वो सिर्फ थोड़ा सा आता है, वो रहेगी डी माइनर, ओके. सो ए माइनर, जी मेजर, एफ एंड लास्ट वन इज डी माइनर, ओके. एंड गाइस प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना. बस उसमें आप एक कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, तो वो मेरे को भी काफ़ी सही रहेगा फीडबैक के तौर पे. तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा. एंड गाइस, कोई भी अगर आपको लेसन चाहिए देना कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर लेसन बना दूँगा, ओके. एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस. सो गाइस, सबसे पहले इसमें आपको इंट्रो इस तरह से बजाना है. आपको सबसे पहले ए माइनर कॉर्ड होल्ड कर लेनी है, ओके. ए माइनर, ये ए माइनर है, ठीक है. अब क्या करना है आपको, ए माइनर में से ये वाली जो फिंगर है वो हटा देनी है. मतलब आपकी जो रिंग फिंगर है वो हटा दीजिए, ए माइनर पकड़ के वो रिंग फिंगर हटा दीजिए, ठीक है. तो इस तरह का साउंड आएगा. अब आपको प्लग करना है कुछ स्ट्रिंग्स, ठीक है. आप पिक से कर सकते हैं तो उससे कर लीजिए, नहीं तो आप हाथ से कर लीजिए, पिक से ज़्यादा अच्छा साउंड आएगा, हाथ से भी अच्छा आएगा, जिससे आपको करना है कर लीजिए. तो आपको स्ट्रिंग्स कौन सी प्ले करनी है, 5 4 3 2, अब इसमें आपको रिदम फॉलो करना पड़ेगा. जैसा आपने गाना सुना होगा तो टिक टिंग टिक टिक इस तरह से बजाए, तो आपको पहले वो रिदम समझनी पड़ेगी, फिर आप उस पर इस पर गिटार पे अप्लाई कीजिए उस रिदम को. जैसे हमने ही पकड़ लिया, अब आपको 5 4 3 2 बजाना है, ठीक है. तो आपको कुछ इस तरह से बजाना पड़ेगा. देन उसके बाद टैप आएगा आपका, तो ये गाइस कुछ इस तरह से बजेगी. आप इसमें पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसका पहला पार्ट में बजा रहा हूँ, ठीक है. पहला पार्ट में आपका किस तरह से बजेगा, आपने ये होल्ड कर लिया था, देन ये हुआ 5 4 3 2, देन टैप. थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा इस तरह से, पहले स्लो करना देना, अपनी स्पीड बढ़ा देना, क्योंकि एकदम से अगर आप तेज करके स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा. कोई भी आप चीज़ सीखो गिटार में तो उसको स्लोली उसको करो, देन अपने आप स्पीड अपने आप आ जाएगी, ठीक है. तो 5 4 3 2, सॉरी, ओके. अब आपको वापस ही करना है लेकिन रिदम अलग रहेगी, ठीक है. अभी हमने इस तरह से किया है, अब दूसरा इस तरह से 5 4 3 2, पहले हमने किया था 5 4 3 2, फिर टैप, उसके बाद 5 4 3 2. आपको रिदम समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो पहला हमने ऐसे किया था, फिर टैप, फिर, ठीक है. बहुत ईजी है, अगर आप स्लो करोगे तो आराम से आ जाएगा, देन आप स्पीड इसमें लगा लेना अपनी. उसके बाद गाइस बचता है एफ मेजर कॉर्ड. पहले आपका ये स्लो करके बता रहा हूँ, पहले आपका ये हुआ, फिर एफ आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है. तो आपको ये करने के बाद एफ बजाना है, और इसमें हम कोई स्ट्रमिंग नहीं दे रहे हैं गाइस, सिर्फ टैप करेंगे, टैप से गाना ज़्यादा अच्छा लगेगा,
और टैप से काफ़ी गाने ऐसे होते हैं जो टैप में आजकल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्लकिंग आ गई है तो वो टैपिंग भी उसमें आ जाता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसमें एफ आ जाएगा, तो एफ में आपको क्या करना है, डाउन अप टैप, ये करना है आपको, डाउन अप टैप। फिर जी और देन टैप, सिर्फ एक स्ट्रोक करना है। सबसे पहले एफ आपने पकड़ा, उसके बाद डाउन अप टैप, देन जी पे डाउन स्ट्रोक, फिर टैप। एक बार पूरा हो जाके दिखा देता हूँ एकदम स्लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इंट्रो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है गाइस। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा लाइन स्टार्ट होता है, ना 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 ना। और गाना मेरे को इतनी जल्दी याद नहीं होता गाइस, इसलिए मैं ना ना करता हूँ, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देना। तो गाइस इसमें जो कॉर्ड्स अब आपको लगाने हैं वो इस तरह से लगेंगे। स्ट्रमिंग पैटर्न सबसे पहले आप समझ लीजिए, कुछ स्ट्रमिंग नहीं है, सिर्फ टैपिंग है इसमें, ठीक है। तो डाउन अप टैप डाउन, ये वाला है, तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा किस तरह से आपको लगाना है। तो अब वो ना 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 वो आता है, तो आपको इस तरह से प्ले करना है। सबसे पहले ए माइनर, ना 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 मतलब आपका चल रहा है डाउन अप टैप डाउन डाउन अप टैप डाउन टैप डाउन अप टैप डाउन डाउन अप टैप डाउन 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 टैप डाउन। अब आपको यहाँ पे हाफ स्ट्रमिंग करना पड़ेगा, ए माइनर पे हमने पूरा लगा लिया, डाउन टैप डाउन टैप, देन एफ और जी पे ब्रेक होगा, डाउन अप टैप, इतना एफ पे हो जाएगा, देन जी पे डाउन टैप, ठीक है। एकदम स्लो आप करके बैठना, कोशिश करना कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी आप बिटार लेके बैठ जाओ तो वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो डाउन इतना आपको समझ में आ गया, आपने कॉर्ड देखा होगा, तो यहाँ तक इस तरह से गाना चलेगा। पहले ए माइनर एफ जी हो रहा था, देन ए माइनर ना 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 ए माइनर ना 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 जी मेजर ना 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 एफ मेजर ना 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 जी मेजर ना ना ना, उसके बाद आपका आएगा डी माइनर कॉर्ड, ना 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 ना, इस तरह से होगा गाइस। तो सिर्फ डी माइनर एक ही जगह आ रहा है, ना 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 ना, ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप इसको पार्ट्स में कर लोगे तो आसानी से आ जाएगा, स्ट्रमिंग भी बहुत इजी है गाइस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोरस, ना 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 ना। फिर उसके बाद वो म्यूजिक चलता है, तो उस पर आपको ए माइनर करना है, देन फिर जी करना है, उस पर बजाने की कोई मतलब ही नहीं बनता, बस आपको इतना बजाना है। देन आपको और गाना है तो देन आप उसकी दूसरी कड़ी गा सकते हो, जो उसका सेकंड वर्स है वो गा सकते हो, और उसमें भी सेम यही पैटर्न होगा गाइस, सेम टू सेम यही पैटर्न होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है, बस आपको दिक्कत कहाँ आएगी, आपको एफ टू जी में शिफ्ट करने की दिक्कत आएगी और उसमें टैप करने की दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप एक काम करना, सबसे पहले आप एफ फिर जी, वो थोड़ा सा जल्दी शिफ्ट करना सीखो,
ठीक है, वो आ गया आपको, देन आप टैप उस पर प्रैक्टिस करो। और डायरेक्टली आप कॉर्ड पर टैप, मतलब कोई भी चीज़ हो आप डायरेक्टली कॉर्ड पर मत प्रैक्टिस किया करो, इस पर ऐसे हाथ रख के इस तरह से प्रैक्टिस करो, फिर उस पर अप्लाई, इस पर अप्लाई करो। इस तरह से करो गाइस, तो वो हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते रहो, ये गाना आपको आसानी से बन जाएगा। इंट्रो है, जो भी गॉड्स हैं वो सब इजी है, बस आप केपो लगा के करना 5th फ्रेट पे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।